मेरे आका मोहम्मद रसूले खुदा खातमुल अंबिया। ये सारी बरकतें जो एजाजी निशान हैं, ये तमाम के तमाम हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी से वाबस्ता है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को खूब उंगली से बयान फरमाया जब ये कहा कि इन चश्मे रवां कि बखल के खुदा दे हम या कतरे ये बहरे कमाल मोहम्मद कि तुम जो मेरे हाथों से निशानात का एक जारी चश्मा देख रहे हो, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहरे कमालात में से एक कतरा है। बस अहमदियों को ये बात नहीं भुलानी चाहिए। ठीक है, हमने दुआएं की और मुबाहला करके अपना सब कुछ खुदा के हजूर पेश कर दिया, लेकिन ये बात कभी नहीं भुलानी चाहिए कि असल ताकत हमारे पीछे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की ताकत है और आपके ताल्लुक बिल्लाह की ताकत है। जितना आप इस ताकत से वाबस्ता रहेंगे, इसके करीब रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे। जितना बेवकूफ़ी से इस जुल्म में मुब्तला हो जाएंगे कि हमारी वजह से खुदा ने कुछ दिखाया है, उतना ही इस ताकत के चश्मे से दूर होंगे और इस पनाह की छतरी से बाहर निकलने वाले होंगे। इसलिए कभी कोई अहमदी कोई निशान देखकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह की छतरी से बाहर निकलने की जरूरत ना करे, क्योंकि जिस दिन किसी ने इस छतरी से बाहर कदम रखा उसी दिन उसकी हलाकत है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इमाम जुन्नतुन, कि मोमिन के लिए इमाम उसकी ढाल हुआ करता है और तमाम इमामों से बढ़कर सब अइमा के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अगर इस ढाल से आप आगे बढ़े या दाएं और बाएं हटे तो आप तीरों की जद में आ जाएंगे और फिर कोई ताकत आपको बचा नहीं सकेगी। इसलिए जितना आगे बढ़ना है खूब बढ़ते रहें, मगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में और आपकी ढाल के पीछे पीछे चलें। और इस पहलू से ये भी याद रखें कि खलीफा वक्त साथी जात में कैसा ही बेहसियत क्यों ना हो, वो अपने वक्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आपका नुमाइंदा होता है। इसलिए उसकी ढाल से भी आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। जिस हद तक वो आगे बढ़ता है, जिस मैदान में वो आगे बढ़ने का फैसला करता है, उसके पीछे पीछे रहें, उसका साथ दें, उसके साथ चलें, तो इंशाअल्लाह ताला हमेशा आप खुदा ताला की हिफाजत में रहेंगे।